आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मेरठ में हेड कांस्टेबल के डर से किशोरी ने स्कूल जाना छोड़ा, एसपी सिटी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मेरठ में एक हेड कांस्टेबल से परेशान होकर किशोरी ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कांस्टेबल की प्रताड़ना बढ़ने पर किशोरी ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। महिला शिकायत लेकर आरोपित के घर पहुंची तो हेड कांस्टेबल की पत्नी से किशोरी की मां की कहा सुनी हो गई। थाने स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत पत्र दिया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ब्यूटी पार्लर संचालिका है। महिला के पति विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारी है। उनके पड़ोस में पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल किराए के मकान में रहते हैं। करीब 3 माह से महिला की 15 वर्षीय बेटी को कांस्टेबल परेशान कर रहा था। किशोरी ने आरोपित का विरोध किया तो उसने अपहरण की धमकी दी, जिस वजह से किशोरी ने स्कूल जाना बंद कर दिया और गुमसुम सी रहने लगी। एसपी सिटी ने मामला संज्ञान में लिया है। किसी तरह किशोरी ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर किशोरी के स्वजन के होश उड़ गए। वे तुरंत ही शिकायत लेकर आरोपित के घर पहुंचे, लेकिन कांस्टेबल की पत्नी ने उसका ही पक्ष लेते हुए महिला से अभद्रता की और भगा दिया। गुरुवार को महिला शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची। शिकायत सुन रहे सीओ सिविल लाइन देवेश सिंह ने तुरंत ही किशोरी के स्वजन को एसपी सिटी ऑफिस भेज दिया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने सीओ दौराला को इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।